ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में मॉडिफाई की कमांड्स को स्टार्ट कर लिया था और हमने उसमें 6 मॉडिफाई कमांड्स को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन कमांड्स को कवर करने वाले हैं। वो कमांड्स हैं एरे, स्केल, स्ट्रेच और लेंथन। और हाँ फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये कमांड्स मैं कवर करने वाला हूँ विद एग्जांपल्स, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल्स के साथ में मॉडिफिकेशन कमांड्स को कवर किया था। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लेक्चर देखते रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो 6 कमांड्स किए थे वो थे मूव कमांड, कॉपी, इरेज, मिरर, ऑफसेट एंड रोटेट कमांड। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एरे, स्केल, स्ट्रेच एंड लेंथन कमांड्स। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, ज्वाइन, फिलेट और शैम्फर कमांड्स को। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर और कवर करते हैं इन चारों कमांड्स को। कमांड नंबर 7 एरे, शॉर्टकट AR। एरे कमांड इज यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन एन अरेंजमेंट विद फिक्स्ड डिस्टेंसेस और एंगल्स। फ्रेंड्स, एरे मेनली दो प्रकार की है, रेक्टेंगुलर एरे बी पोलर एरे। सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर एरे को। रेक्टेंगुलर एरे में हम जो भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे वो रोज और कॉलम्स के अंदर प्लेस करेंगे। रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल लाइंस। सपोज मैंने यहां पर एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बनाया एक स्क्वायर की शेप में, जिसकी हर एक साइड 10 मिलीमीटर्स की है और इसको हमने दो लाइंस से इसके डायगोनल कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया है। इस स्क्वायर शेप ज्योमेट्री को मैं रोज और कॉलम्स के अंदर प्लेस करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स हम यहां पर रेक्टेंगुलर एरे कमांड लेके नंबर ऑफ रोज को हम रखेंगे 3, बिकॉज वी हैव 3 रोज। और यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रखेंगे 4, बिकॉज यहां पर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम इस डिस्टेंस को सेंटर से, सेंटर के जो डिस्टेंस है उसको हमें रखना है 30 मिलीमीटर्स का, क्योंकि मैं एच से एच के बीच का डिस्टेंस 20 मिलीमीटर रखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिए कि इसकी जो लंबाई है ऑब्जेक्ट की वो 10 मिलीमीटर की है। अगर मुझे एज से एज के बीच का डिस्टेंस 20 मिलीमीटर का रखना है तो मुझे 10 में 20 को ऐड करके इसका कॉलम ऑफसेट 30 मिलीमीटर का रखना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ये कॉलम ऑफसेट होगा। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो एज से एज के बीच का डिस्टेंस अगर हमें 10 मिलीमीटर का रखना है तो इसमें 10 मिलीमीटर में हम 10 मिलीमीटर ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी हाइट भी 10 मिलीमीटर की है। तो यहां पर हमें रो ऑफसेट की वैल्यू को 20 मिलीमीटर्स रखना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इस कमांड को कुछ एग्जांपल्स के साथ में। फ्रेंड्स, हमारे पास यहां पर एक आर्म चेयर है और ये हमारा एक रूम का एक लेआउट है, जिसमें कि रूम की लेंथ है 5000 मिलीमीटर्स और इसकी ब्रेथ है 3800 मिलीमीटर्स की। इस चेयर को हम यहां पर एक एरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम एरे कमांड में एंटर करेंगे AR टाइप करके, नहीं तो आप एरे कमांड को मॉडिफाई के अंदर आप यहां से भी पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप एरे कमांड के लिए मॉडिफाई में जाके यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने एरे कमांड को यहां पर क्लिक किया तो मेरे पास दो तरह की एरेज आ जाती हैं, रेक्टेंगुलर एरे एंड पोलर एरे। अभी हम बना रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे और हमें नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिएंगे यहां पर 3, नंबर ऑफ रोज चाहिए हमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमें 4। तो जैसे ही हम यहां पर रोज और कॉलम्स की वैल्यू देते हैं तो यहां पर प्रीव्यू के अंदर आपको ऑटोकैड शो करेगा कि ये हमारा एरे किस तरह से बनेगा। इसके बाद हम यहां सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके जिस ऑब्जेक्ट को हमें एरे में कन्वर्ट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब आइए देखते हैं रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट के बारे में। रो ऑफसेट, क्योंकि इस चेयर की जो हाइट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये रफली 600 मिलीमीटर्स की है, तो यहां पर मैं इसको देना चाहता हूं 950 मिलीमीटर्स, बिकॉज चेयर्स के बीच में हमें थोड़ा गैप भी रखना होगा।
और इसी तरह से कॉलम ऑफसेट के लिए हम यहां पर वैल्यू देना चाहते हैं सपोज 1000 मिलीमीटर्स। हम हमेशा ओके करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 3 रोज और 4 कॉलम्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर एरे बन चुका है। तो इस तरह से जब हमें ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना होता है तो हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक और ऑप्शन होता है एंगल ऑफ एरे। अगर हम यहां पर एंगल ऑफ एरे सपोज 20 कर देते हैं और फिर मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूं तो ये पूरा एरे 20 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है। तो ये एंगल ऑफ एरे ऑप्शन को भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगला एरे है पोलर एरे। पोलर एरे का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेस करते हैं। यहां पर हमने उसी स्क्वायर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लिया है। ये हमने स्क्वायर ज्योमेट्री बनाया और इस स्क्वायर ज्योमेट्री को मैं इस सर्कल के चारों तरफ प्लेस करना चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मुझे चाहिए 8 और ये टोटल एंगल रहेगा सर्कल का 360 डिग्रीज। तो इसमें हम पोलर एरे पे जाके हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। हमें इस सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे 8 और टोटल एंगल रहेगा 360 डिग्रीज का। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे पोलर एरे हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस कमांड का भी एक एग्जाम्पल। यहां पर हम एक बार फिर से आर्म चेयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहां पर ये एक कॉफी टेबल है। मैं इस टेबल के अराउंड इस चेयर को फोर चेयर्स को मैं यहां पर प्लेस करना चाहता हूं इस टेबल के अराउंड। तो हम एरे कमांड में एंटर करते हैं AR टाइप करके। इस बार मैं पोलर एरे को सेलेक्ट करूंगा और सेंटर पॉइंट के लिए यहां पर क्लिक करके मुझे इस सर्कल का यहां पे सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो हमें एरे को प्लेस करना है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट के अबाउट प्लेस करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स हमारे पास इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल टू फिल, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल बिटवीन आइटम्स, एंगल टू फिल एंड एंगल बिटवीन आइटम्स। इन 3 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा पहला ऑप्शन यूज होता है, बाकी बहुत आसान है। एक ऑप्शन देखने के बाद आप दोनों ऑप्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहला ऑप्शन बता रहा हूं। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए होंगे 8 एंड टोटल एंगल विल बी 360 डिग्रीज। तो जैसे ही हम यहां पर दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं, रोटेट आइटम्स एज कॉपीड को हमें यहां पर ऑन रखना होगा। ज्यादातर हम इसको ऑन रखते हैं। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके मैं केवल चेयर को यहां पे सेलेक्ट करूंगा बिकॉज हमें चेयर को प्लेस करना है। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया एक नॉर्मल विंडो से, एंटर कर दिया। आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ये देखिए 8 चेयर्स को इसने प्लेस कर दिया है अबाउट द सर्कल। अब ये नंबर ऑफ चेयर्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम एस्केप करके वापस जाएंगे और यहां पर नंबर ऑफ चेयर्स को अगर हम कम करना चाहें, सपोज मैं इसको 6 करना चाहता हूं, मैं इसको 6 कर सकता हूं। यही फायदा होता है फ्रेंड्स प्रीव्यू ऑप्शन का, कि अगर हमारा एरे ठीक से नहीं बना है तो हम वापस जाके और इसमें पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने 8 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, अब हमने यहां पर 6 ऑब्जेक्ट्स कर दिए। हमने प्रीव्यू चेक किया, चेयर्स का अरेंजमेंट एकदम सही है। हम एंटर करके कमांड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है स्केल कमांड और यह है हमारा एर्थ कमांड, शॉर्टकट SC। स्केल कमांड इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन बोथ द डायरेक्शंस इन द सेम रेशो। स्केल कमांड की खास बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट का जो साइज चेंज करेगा वो दोनों डायरेक्शंस में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सेम रेशो से चेंज करेगा। इसमें हम स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। स्केल अप का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ है 50 मिलीमीटर्स और इसका ब्रेथ है 25 मिलीमीटर्स। मैं स्केल कमांड पर जाता हूं और इस ए पॉइंट को मैं बेस पॉइंट ले लेता हूं और यहां पर स्केल फैक्टर मैं देता हूं 2। टू स्केल फैक्टर का मतलब यह होगा कि हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को डबल करना चाहते हैं दोनों डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। जैसे ही हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे रेक्टेंगल का जो साइज है वो 100 मिलीमीटर्स हो जाएगा लेंथ और 50 मिलीमीटर्स हो जाएगा ब्रेथ, यानी कि इसके दोनों डायमेंशंस डबल हो जाएंगे क्योंकि हमने स्केल फैक्टर की वैल्यू को 2 किया था।
तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स, इस आर्म चेयर के साइज को अगर मुझे बढ़ाना है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका साइज कम या ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको स्केल कमांड से दोनों डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम स्केल कमांड लेंगे, SC टाइप करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस आर्म चेयर को, एंटर कर देंगे। इसका बेस पॉइंट सपोज मैंने इसका मिड पॉइंट पिक किया और स्केल फैक्टर दिया यहाँ पे 2, तो आप देख सकते हैं इस चेयर का साइज पहले से जस्ट डबल हो गया है। स्केल कमांड से फ्रेंड्स हम स्केल डाउन भी कर सकते हैं। स्केल डाउन का मतलब है दोनों डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के साइज को कम करना। अब जैसे हमने ओरिजिनल रेक्टेंगल बनाया 100 mm का, जिसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है 50 mm की, इसके साइज को मैं हाफ करना चाहता हूं दोनों डायरेक्शन में, तो हम स्केल फैक्टर देंगे 0.5। और जो पॉइंट मैंने यहां पर बेस पॉइंट लिया होगा, यानी कि इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो ये पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और रेक्टेंगल का साइज दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में आधा हो जाएगा। तो आइए चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से स्केल कमांड को यहां से लिया, एंटर किया, टाइप किया मैंने स्केल के लिए SC, सेलेक्ट कर लिया हमने अपने आर्म चेयर को, एंटर किया, इसका बेस पॉइंट मैंने इसको रखा और इस बार मैं स्केल फैक्टर दूंगा 0.5, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के साइज को आधा करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, और ये ऑब्जेक्ट हमारा स्केल होके हाफ हो जाता है। कमांड नंबर 9, स्ट्रेच, शॉर्टकट S। स्ट्रेच कमांड इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन बाय सेलेक्टिंग वर्टेक्स पॉइंट्स। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, यहां पर एक हमने रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ है 100 mm, ब्रेथ है 50 mm। मैं इस रेक्टेंगल के साइज को केवल एक डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूं, मतलब मुझे इसकी लेंथ को या तो कम करना है या बढ़ाना है, तो हम स्ट्रेच कमांड को लेंगे और एक क्रॉसिंग विंडो से इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट को मुझे सेलेक्ट करना होगा। इसमें खास बात यही है फ्रेंड्स कि हम केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं जिनके अंदर या तो एंड पॉइंट्स हैं या फिर वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जैसे सर्कल ऑब्जेक्ट है या इलिप्स ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम बेस पॉइंट पिक करेंगे और इस प्रकार हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू देके या वैल्यू को टाइप करके हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है जिसकी लेंथ है 100 mm की और इसकी ब्रेथ है 50 mm की। मैं स्ट्रेच कमांड को मॉडिफाई टैब पे जाके स्ट्रेच कमांड को यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं, नहीं तो हम इसको रिबन टूल बार पे यहां पर क्लिक करके भी स्ट्रेच कमांड को ले सकते हैं। हमने स्ट्रेच कमांड को यहां से सेलेक्ट किया। अब मुझे इसके राइट साइड वाले दोनों वर्टेक्स पॉइंट्स को मूव करना है, तो मैं क्रॉसिंग विंडो बना के इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर किया, बेस पॉइंट लिया हमने। सपोज मुझे इसकी लेंथ को 50 mm से बढ़ाना है, तो डायरेक्शन देने के बाद हम यहां पर 50 टाइप करेंगे, तो ये इसका लेंथ 50 mm से बढ़ चुका है। पहले इसका लेंथ 100 mm था, अब इसकी लेंथ 50 mm हो गई है। एक बार फिर से स्ट्रेच कमांड लेते हैं। मैंने इसका शॉर्टकट टाइप किया S, एंटर। इस बार मैंने केवल इसके एक वर्टेक्स पॉइंट को इंक्लूड किया क्रॉसिंग विंडो के अंदर, एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया और मैं टाइप करता हूं -50, 0, तो ये इसका कॉर्नर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और रेक्टेंगल को हमने एक पॉलीगन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और इसको हम डायनेमिकली इस तरह से भी कर सकते हैं कि सपोज मुझे इस रेक्टेंगल का या इस पॉलीगन का ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पॉइंट को मैं लाइन के एंड पॉइंट पे प्लेस करना चाहता हूं, तो मैं स्ट्रेच कमांड लेके इस वाले पॉइंट को क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करके, एंटर करके, इसको यहां से सेलेक्ट करके लाइन के एंड पॉइंट पे ले जाके मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूं। तो ये था हमारा स्ट्रेच कमांड का एग्जाम्पल। आइए चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने एक फर्नीचर आइटम के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारे पास एक 3-सीटर सोफा है जिसकी लेंथ है 1.6 meters। सपोज मैं इसके इस वाले सीट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं राइट की तरफ और लेफ्ट वाली सीट को मैं इस तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो इसमें हमें केवल एक ही कमांड काम आएगी और वो है स्ट्रेच कमांड। तो हमने यहां से स्ट्रेच कमांड को लिया, मैंने क्रॉसिंग विंडो बना के इस पोर्शन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहां पर क्लिक किया और मैं टाइप करता हूं @200, 0। जी हाँ, ये है रिलेटिव कार्टिजन कोऑर्डिनेट, मतलब हम इसको एंटर जैसे ही करेंगे ये राइट हैंड साइड की तरफ 200 mm से स्ट्रेच हो जाता है।
फिर से हम स्ट्रेच कमांड पे जाते हैं, शॉर्टकट एस टाइप करके मैंने इसको क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसको मैंने बेस पॉइंट लिया और यहां पर मैं टाइप करूंगा एट द रेट -200.0, क्योंकि इसको मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सोफा 200 मिलीमीटर हमने राइट की तरफ स्ट्रेच कर दिया और 200 मिलीमीटर हमने लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच कर दिया। आज के लेक्चर का लास्ट कमांड है, 10th कमांड है, लेंथन कमांड। लेंथन कमांड का शॉर्टकट LEN। लेंथन कमांड इज यूज टू चेंज द लेंथ ऑफ अ लाइन, आर्क और एन ओपन पॉलीलाइन। फ्रेंड्स, ये कमांड तीन ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, लाइन, आर्क या ओपन पॉलीलाइन पे। इसके अंदर चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। लेंथ विल चेंज बाय गिवन वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू विल इंक्रीज द लेंथ एंड नेगेटिव वैल्यू विल डिक्रीज द लेंथ। बी परसेंट, लेंथ विल चेंज बाय गिविंग परसेंटेज वैल्यू लाइक 200% विल डबल द लेंथ एंड 50% विल हाफ द लेंथ। सी टोटल, प्रोवाइड टोटल लेंथ ऑफ लाइन और आर्क एंड देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है जितनी भी हमने टोटल वैल्यू दी थी उतनी ही हो जाएगी। एंड डी इज डायनेमिक, डिसाइड ऑन द स्क्रीन ओनली टेकिंग द रेफरेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब फ्रेंड्स, यहां पर हम स्क्रीन पे देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी चाहिए। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस पे और देखते हैं एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, यहां पर एग्जाम्पल हम एक लाइन या आर्क जैसे ऑब्जेक्ट पे ही ट्राई कर पाएंगे, बिकॉज लेंथन कमांड नॉर्मली इस तरह के फर्नीचर आइटम्स पे यूज ना होके, जो बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइन और आर्क, उन्हीं पे हम यूज करते हैं। तो लेंथन कमांड के लिए आप टाइप कर सकते हैं LEN। हमने यहां पर इसका शॉर्टकट LEN टाइप कर दिया है। अब देखिए चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूं डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन के लिए हमें टाइप करना होगा DE, बिकॉज DE लेटर्स यहां पे कैपिटल में दिए हुए हैं, एंटर। और मुझे इस लाइन की लेंथ बढ़ानी है 500 मिलीमीटर से, तो हम यहां पर 500 टाइप करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी लेंथ 500 मिलीमीटर से बढ़ जाएगी। आप इधर क्लिक करेंगे 500 मिलीमीटर से इस तरफ बढ़ जाएगी। अगर हमें लेंथ को कम करना है तो डेल्टा ऑप्शन में जाके हम लेंथ को माइनस वैल्यू के साथ में टाइप करेंगे और क्लिक करते ही लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार गिवन वैल्यू से ऑब्जेक्ट की लेंथ कम हो जाएगी। अब आइए चलते हैं सेकंड ऑप्शन परसेंट पे। परसेंट के लिए मैंने पी टाइप किया, एंटर किया। सपोज मुझे इस लाइन की लेंथ बिल्कुल हाफ करनी है तो हाफ के लिए मुझे यहां पे 50 टाइप करना होगा। 50% का मतलब होता है हाफ। आपने एंटर किया, जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, फिर क्लिक करने से फिर हाफ हो जाएगी, फिर क्लिक करने से करंट लेंथ की फिर से हाफ हो जाएगी। सपोज मैं इसको डबल करना चाहता हूं, परसेंटेज में जाकर के मैं टाइप करूंगा 200। अब आप जैसे क्लिक करेंगे डबल हो जाएगी, फिर क्लिक करने पे डबल, फिर क्लिक करने पे डबल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल। टोटल के लिए हमें टी टाइप करना होगा, एंटर। मुझे इस लाइन की टोटल या फाइनल लेंथ चाहिए 2000 मिलीमीटर, तो हमने यहां पे 2000 टाइप किया। जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करते हैं इस लाइन की फाइनल लेंथ 2000 मिलीमीटर हो जाएगी। और अब लास्ट ऑप्शन है डायनेमिक। DY टाइप किया हमने, एंटर किया। सपोज मुझे इस लाइन को इतना एक्सटेंड करना है कि ये सोफे को टच कर जाए और सोफे से थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो यहां पर जाकर के आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए लाइन की लेंथ उतनी हो गई जितनी की हमें इस डायग्राम के हिसाब से चाहिए थी। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि स्क्रीन पे देखते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि लाइन या आर्क की लेंथ हमें कितनी रखनी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करके ही आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में। टेक केयर।